स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीइंग सैगल पे। मैं हूँ आपका सैगल जो घूमता है, खाता है और खूबसूरत से नजारे दिखाता है। घूमने की बात करें तो जस्ट अभी हमने साउथ इंडिया सीरीज कंप्लीट करी है। आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। बाय गॉड बहुत ही मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नई नई चीजें ट्राई करी हमने। और आज बारी है खाने की। अब दिल्ली वालों का ना पेट फूड होता है, जो जिसका नाम सुनते ही चेहरे पे चमक आ जाती है, वो है छोले भटूरे, है ना करण? मेरे साथ करण भी है आज, जो अपने आप में बड़ा फूडी है, और आज स्पेशल कमेंट देके बताया कि छोले भटूरे कैसे हैं। छोले भटूरे खाने आज हम जा रहे हैं बड़ी स्पेशल जगह, जिसके छोले भटूरे खाते खाते हम बड़े हुए हैं, अशोक विहार में नागपलल होगी। अब छोले भटूरों का नाम चले और नागपल के छोले भटूरों का नाम ना आए ना, ये हो नहीं सकता। बड़े चटपटे, बड़े बढ़िया छोले भटूरे। अब छोले भटूरे ऐसी चीज है ना, जिसका कुछ ऐसे नहीं कह सकते कि इसके बढ़िया है, इसके वो है, इसका वो है, तो सबकी बढ़िया होते हैं, पर इसके नागपल वालों के और ही बेहतर है। या बढ़िया होते हैं या बहुत बढ़िया होते हैं, राइट? तो चलो जी, आज ना इनका वैसे अशोक विहार में मेन आउटलेट है, और यहीं पर अशोक विहार में सत्यवती कॉलेज के पास ही एक न्यू आउटलेट खोला है, जिसकी शायद आज इनॉग्रेशन हुई है, करण ने आज मुझे बताया। तो हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे जाके वीडियो बनाएंगे, तो आज इनॉग्रेशन हुई, अच्छा दिन है, तो सोचा आज ही चलते हैं, आज ही मुहूर्त का दिन है। तो दिखाते हैं आपको कैसे छोले भटूरे और कैसा क्या है। आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो कर दो यार, छोटा सा बटन है, छोले भटूरे की कसम है आपको। चलो जी, ग्रेट, बने रहिए साथ में बीइंग सैगल। थैंक यू। भाई मजा ही आ गया आज तो ना, बड़े स्पेशल दिन आए हैं, इनॉग्रेशन हो रही है, ढोल वाले भाई साहब आए हुए हैं, खुशी का माहौल है, छोले भटूरे खा के हो रही, मजा आ जाएगा। वाह गॉड, बहुत ही शानदार लग रहा है मेरे को। चलो जी चलते अंदर, नागपल साहब भी हैं यहाँ पे और भी सारी पूरी फैमिली है। छोले भटूरे मेरे हस्बैंड ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था, मतलब ये शुरू हुआ था लाजपत नगर से। मेरे बड़े जेठ जो हैं मिस्टर वासुदेव नागपाल, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। अच्छा। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने इसको कैरी ऑन किया था, इस बिजनेस को हमने अशोक विहार आईवी ब्लॉक से स्टार्ट किया था, और अभी हमारे कम से कम ऑल ओवर दिल्ली में फ्रेंचाइज का भी है, और ऑल ओवर दिल्ली में हमारे अभी 24 या 25 मतलब फ्रेंचाइज जा चुके हैं, जो सारा यहाँ पर मेंशन होंगे, इसमें कुछ मेंशन नहीं है जो अभी हो जाएंगे, जो न्यू हुए हैं। और 3 हमारे ये ब्रांड आउटलेट हैं अपने, शालीमार बाग का, शास्त्री नगर का और अशोक। ग्रेट भाई, मैं भारत में ही रहता था मैं पहले, तो आपके छोले भटूरे खाते खाते ही बड़े हुए हैं। तो शेख ना कोई नागपाल आपके छोले भटूरे खाने, संडे की शुरुआत कैसे होनी है, छोले भटूरे खा के होनी है, एक अलग ही टेस्ट, अलग ही वो है, बहुत बढ़िया। फ्रेंचाइजी मैंने सुना था गुड़गांव में भी देखा मैंने कि काफ़ी फ्रेंचाइजी ओपन हुई, गुड़गांव में हमने 49 में दिया है फ्रेंचाइज। और अब ये हरीशचंद नागपाल जी अपने ब्रदर मिस्टर देव नागपाल के साथ इसको आगे ले जा रहे थे, अभी इन दोनों का, भाइयों का थोड़ा सा डिस्प्यूट की वजह से थोड़ा सा, तो जब उसकी 4 फ्रेंचाइज हो गई थी तो फैमिली में ही लोगों ने, और कुछ फैमिली में एडवोकेट भी हैं बच्चे, तो वो हंसना शुरू हो गए, उसकी खूब मजाक उड़ाया गया उसका कि ये कॉन्सेप्ट कहीं जाने वाला नहीं है, आप इसको ले जा के नहीं जा सकते। और किस्मत का खेल देखिए कि जब उसकी 15 हो चुकी थी तो हमें सामने से उन्हीं लोगों के ऑफर आने लगे कि हमारे साथ मिलके करो, नहीं तो हम भी ये करेंगे, हम भी नागपाल, मतलब ये हुआ कि वो रीस में फिर इसी में उन एडवोकेट्स को भी कूदना पड़ा। वाह वाह, पूरा फैमिली बिजनेस आ रहा है, मतलब उनको भी कूदना पड़ा इस बिजनेस में जो इसका मजाक उड़ा रहे थे। मोर ओवर आवर कांसेप्ट वाज कि हम लोग आजकल जो यंग क्राउड है, दे इवन इफ दे आर ईटिंग नॉट ओनली छोले भटूरे, एनीथिंग, दे वांट टू मेक इट इन स्टाइल, ब्रेकफास्ट में ऑल टाइम मील हो गई है कि शाम को भी खा सकते हैं। व्हाटएवर वी आर ईटिंग वी हैव
have to click the picture and post on Instagram, post on Facebook and everywhere. So to catch that idea of the young generation, as we have college here and everything, we have made it a modern look so that we can attract that crowd. Insta pe post bhi kare aur saath mein Nagpal bhi tag kare aur kare to wo aur acha lagta. We wanted to give everybody a very comfortable and healthy environment, because of corona people are avoiding going here and there and eating locally, so we wanted to give them a very healthy and safe environment so that they feel that they are very safe and they're eating very hygienic and nature. Rishabh and Gautam, right? Yeah. So, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आई मीन आपकी एज में बच्चे सोचते हैं बीटेक करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, जॉब करनी है या कुछ और करना है. आपने छोले भटूरे एंड इस टाइप को चूज करा, तो कैसा लग रहा है आपको? इट्स नॉट जस्ट छोले भटूरे, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ वराइटीज ओवर हेयर. वी हैव नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन केक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स, चाइनीज चाट्स एंड स्नैक्स. वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट बेसिकली, वी नॉट जस्ट छोले भटूरे. अदर पीपल आर डूइंग छोले भटूरे लाइक 7 AM दे स्टार्ट एंड 2 PM दे वाइंड अप. Breakfast, yes. I'm here till morning 8 and night 10, I guess, 10 PM. Moreover, basically, it's just a change of concept that came in our mind, you know. Like, if you just look at these kind of shops which provide street foods, maybe like 2-3 years ago, you know, you'll see just a shop with some utensils which are basic. People just go, they just stand, they eat and they go back. Right. Basically, that was the concept that caught our mind. So, if you have a variety, you have a speciality, because our chole bhature is not just chole bhature, because the spices are in home grinded. So we have 36 different spices which we grind at our place and then they are prepared. Coming up, I have started my own NCB Packaging Private Limited company. So what we are trying to do is, now we are trying to go ahead and put into the processed food market, like ready to eat chole, chole chana masala, which is a speciality, and to supply it overseas also. So it is not just like we are just sitting somewhere. Chole ki bhature tradition chalti aa rahi hai family se, aage continue pure karenge. It is actually, it is really literally a legacy left behind by Vasudev Nagpal, which we are trying to just comply on. And my dad Harish Chand Nagpal, he is the one who has been looking after this brand after Vasudev Nagpal's demise. एक और चीज़ पूछ रहा था मैं, अपनी छोले पर भी तैयारी होती है, मॉर्निंग में 8 बजे आप स्टार्ट करते थे रिटेल, और स्टार्टिंग कैसे करते हैं? 7 AM वी स्टार्ट एंड उससे पहले भी रात को 2 बजे से 3 बजे तक बनाई होती है छोले. स्टार्ट्स बाय आवर एक्सपीरियंस शेफ व्हिच आर वर्किंग फ्रॉम पास्ट 25 इयर्स नाउ, एंड दे स्टार्ट ऑल द प्रोसेस एट नाइट अराउंड 1 to 2 AM. सिंस फ्रॉम 1 to 2 AM टिल 6 AM ऑल द थिंग्स आर प्रिपेयर्ड एंड दे आर कैटेगराइज्ड, दे आर सेपरेटेड एंड दे आर डिस्पैच्ड टू डिफरेंट फ्रेंचाइज यूनिट्स. यू नो, एक ही जगह सेंट्रल लोकेशन. ओके, तो ऐसे आप टेस्ट मेंटेन करा हुआ सारी जगह? अब एक ही जगह बंद सर, यहाँ जहाँ कालीगढ़ देते हैं वहाँ फिर वही बनता है. अच्छा, जैसे अब चंडीगढ़ है, मौली है, वहाँ तो नहीं जा सकता ना. जी जी, वहाँ कालीगढ़ देते हैं सर. बेसिकली राइट नाउ वी आर रनिंग समवेयर अराउंड 25 फ्रेंचाइज यूनिट्स. नाउ our model is really unique and different and flexible. Why? Because we provide 4 cuisines, but if you think that your space is different or your space is small, then we can provide you accordingly. Like if you think that if you have an outlet which is like the minimum area that we need is somewhere around 100 to 150 square feet of area. If you have, we can open a takeaway. Okay. Where you will get our primary menu. Okay. But if you have a bigger space, then the menu of dining is also. Exactly. Okay. Accordingly, we can, if, according to the budgets, according to the luxury that you need inside, if you would say that please make it like a McDonald's, if you put the money, we'll make it like a McDonald's. This is the aim, you know. Great. Provide a flexible concept according to your pocket. Great. तो जी, हमने सारी डिटेल देख ली है, समझ ली है. तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं मॉडल के लिए, अगला तो ऑप्शन दिए इन्होंने कि किस टाइप का मॉडल चाहिए आपको, इफ यू इंटरेस्टेड इज नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अभी हम ट्राई करते हैं छोले भटूरे के एक्चुअल डिश कैसा, बाकी और चीज़ें भी बहुत सारी हैं, बट अभी मन तो छोले भटूरे का ही है ना.
आ गए हमारे फूले फूले करारे करारे छोले भटूरे। ओए हो, शक्ल इतनी प्यारी करारी सी लग रही है ना, साथ में छोले आलू प्याज मोगरे का चार मिर्ची चटनी, और शक्ल ही देखते एक तो दिल खुश हो जाता, ऊपर से प्यारे लग रहे हैं। देखते हैं जी कैसे हैं। छोले भटूरे का जो मेन टेस्ट होता है ना वो छोलों में होता है, कि कितने करारे हैं और थोड़ा सा चटपटापन होना चाहिए, वो चटपटापन है इसमें। और जो भटूरे बनाए गए प्रॉपर एप्ट करारे गए, बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करे गए और अच्छे करे गए, तो टेस्ट अच्छा आ रहा है, क्योंकि पुराने 25 साल से शॉप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं तो टेस्ट तो अपने आप होना ही होना है। तो साथ में इन्होंने एम्बियंस भी दे दिया है कि टेस्ट तो मिल ही रहा है आपको, और साथ में बैठने की अच्छी जगह और साथ में अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से छोले भटूरे हिट हैं, पास हैं, ओके रिपोर्ट है। आप आए एक बारी टेस्ट करना बनता है यहाँ पे, सत्यवती कॉलेज अशोक विहार के सामने शॉप है, नया आउटलेट है, उनके और आउटलेट भी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल लिखी हुई है, जरूर ट्राई करना तो बनता है एक बारी। बाकी करण आपको और रिव्यू देता है, करण बताएं कैसा लगा आपको। आ जाओ, मैं खा के रिव्यू दूंगा। आ जाओ, खाओ, टेस्ट करो। करण डाइटिंग पे चल रहा है तो इसलिए हमने एक ही प्लेट ली है, मैं भी डाइटिंग पे हूँ थोड़ा सा, करण भी है, क्योंकि मैं अशोक विहार ही रहता हूँ और मैंने बचपन से यही छोले भटूरे खाए हैं। हाँ हाँ, और मेरे फेवरेट छोले भटूरे भी नागपाल छोले भटूरे ही है। होय होय होय, तो आज तो मन की इच्छा पूरी होगी। लेट्स सी कि जो मैं खाता रहा हूँ वही टेस्ट डिलीवर हो रहा है। हाँ, नया आउटलेट है कैसा है? सेम स्वाद है और सेम जायका है। ओए होए, मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। जो महक भी आ रही है ना छोलों में से, वो बिल्कुल वैसी ही आ रही है, बढ़िया, दिल खुश हो रहा है देख के ना। एक पहले हमारा नोज खाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोले भटूरों की शक्ल इतनी अच्छी है, उतना ही अच्छा इनका टेस्ट भी है। तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, आप जरूर आए, जरूर खाएं, एंड वेलकम यू। चलो जी, अब हम खाते हैं आराम से, फिर देखते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, अभी भी टाइम है, छोले भटूरे कसम दी थी आपको, कर दो अभी भी। तो जी, ये अगली चीज़ भी आ गई है, राजमा चावल साथ में पालक चावल ट्राई करने के, टेस्ट करने के लिए हमारा करण टेस्ट करके बताएंगे। छोले भटूरे तो बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। तो अब ये इसका टेस्ट कैसा, आप टेस्ट करो। बिल्कुल, सिर्फ छोले भटूरे नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे होलसम फुल टाइम मील हो जाती है, इसलिए अब नाश्ता नहीं, दोपहर को लंच डिनर सारा कुछ है। हाँ जी, टेस्ट वही पालक वही राजमा का टेस्ट है जो इनके छोले चावल चावलों में आता है, बहुत अलग, बहुत महीन मसालों के साथ। मैं ज़्यादा बोलते हुए नहीं, खाने को लुत्फ ज़्यादा उठाना चाहूँगा, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से मेरी तरफ से 5/5। क्या बात, क्या बात, पालक पनीर ना बढ़िया, ये रोस्ट किया हुआ पनीर अभी अच्छे लग रहे हैं, देखते हैं इसका कड़े। थोड़ी पालक थोड़ी पतली लग रही है मेरे को, थोड़ी और गाढ़ी हो सकती थी पालक, है ना, ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो सकती थी, पर टेस्ट अच्छा है, टेस्ट में कोई कमी नहीं, शक्ल थोड़ी सी मेरे को लगता है कि पालक थोड़ी गाढ़ी कर सकते थे। छोले भटूरे भी खा लिए हैं, छोले चावल भी खा लिए हैं, बढ़िया थे, छोलों का टेस्ट बहुत शानदार, चावल के साथ बहुत शानदार। एक जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी वो लगी पालक में और कड़ी में, राजमा ओके रिपोर्ट, बढ़िया सर, थोड़ी सी तरी इसकी गाढ़ी हो सकती थी, पर ओके रिपोर्ट है, ग्रेट। अभी मैं अपना फीडबैक भी शेयर कर देता हूँ सबके साथ, वैसे सब एक्सपीरियंस जहाँ सही है, बट मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस जो है मेरा फ़र्ज बनता है देना, वो दे रहा हूँ। चलो जी,